जब कोई लड़की से बात करता हूं तो चिपचिपा पानी निकलता है। इसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। यह बहुत ही कॉमन समस्या है। कितने सारे लोग, बच्चे लोग, लड़के लोग शादी के पहले ये कंप्लेंट मेरे से करते रहते हैं। ऑडियो कॉल से, वीडियो कॉल से जब हम बात करते हैं, उनका यह रहता है कि मैं जब मेरे गर्लफ्रेंड के साथ में बातचीत करता हूं तो चिपचिपा पानी निकलता है। तो एक्चुअली ये एजुकेशन का प्रॉब्लम है। चिपचिपा पानी निकलना यह स्वाभाविक है, यह नॉर्मल है, यह स्पर्मेटोरिया जैसा है, यह तो निकलना ही है ना। मैं हरदम एग्जांपल देता हूं कि आपको बहुत भूख लगी हुई है, आपके सामने गरम गरम आलू वड़ा तर्री मार के रखा हुआ है, बहुत भूख लगी है, एक दिन से खाना नहीं खाया, तो नेचुरली मुंह को पानी आएगा। वैसे ही सेक्स का है, सेक्स की भी भूख है और वो आपकी भूख पूरी हुई नहीं है। आप बातचीत करते हैं, होता क्या है, उसकी आवाज सुन के, लड़की की आवाज सुन के दिमाग में सेक्स थॉट्स तैयार हो जाते हैं। बातचीत करते हैं तो सेक्सुअल थॉट्स तैयार होते रहते हैं। वहां से स्टिमुलेशन जाता है इमोशंस में, लिम्बिक सिस्टम में, जहाँ इमोशंस तैयार होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन जाती है वाया पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, संदेश जाता है लिंग के तरफ, और लिंग के तरफ संदेश जाता है कि भाई तैयारी करो, हो सकता है कि काम करना पड़ेगा, सेक्स करना पड़ेगा। और वो तैयारी करता है तो क्या करता है, वो चालू कर देता है धीरे 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 वीर्यपात करना, क्योंकि यह चिपचिपा पानी निकलना ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। क्योंकि यदि आप सेक्स करते हो तो लुब्रिकेशन होना जरूरी है, और वो जो पहले चिपचिपा पानी निकलता है लुब्रिकेशन के लिए आवश्यक है। उसमें ज़्यादातर स्पर्म्स नहीं रहते हैं, वो सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल का रहता है, मगर उसमें स्पर्म्स रह भी सकते हैं, मगर वो एक्चुअली वीर्य नहीं है, वो एक्चुअली सेमिनल फ्लूइड है और उसका काम है लुब्रिकेशन करना। तो चिपचिपा पानी निकलना कोई एबनॉर्मल नहीं है, वो निकलता है तो एकदम नॉर्मल है, उससे परेशानी की बात नहीं है। वो लड़की से बात करेंगे तो निकलेगा ही, जैसे अनाज देख के, खाना देख के मुँह को पानी आता है वैसे ही है। तो डरने का नहीं है, नॉर्मल प्रक्रिया है और होते रहेगा। शादी के बाद में भी लोग बोलते कि नहीं, मैं मेरे कोई लेडी से बात करता हूँ तो पानी निकलता है, मतलब नॉर्मल है ना, क्योंकि आपको एक्साइटमेंट होता है दिमाग में। जब जब दिमाग में एक्साइटमेंट होगा, जब जब सेक्सुअल थॉट्स दिमाग में आएंगे, जब जब सेक्स की भावना निर्माण हो जाएंगी, इमोशन निर्माण हो जाएंगे, तब इधर तैयारी हो जाएंगी कि सेक्स करना है, सेक्स करना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करो, पानी आना शुरू हो जाता है, लुब्रिकेशन शुरू। तो इसमें एबनॉर्मल कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।